ओके गाइस, आज का वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली सबसे पहले आपको पता होगा क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है, मतलब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब सेप्टेम्बर क्वार्टर से और पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था मतलब 2021 इस वाले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट अच्छे आए हैं, खराब आए हैं, क्या आए हैं। इसको समझने के बाद हम चलेंगे इसके टेक्निकल्स पे और टेक्निकल में देखेंगे क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें कौन से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं या फिर कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंट्री स्टॉप लॉस, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाना ज्यादा प्रेफर करते हो तो ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो हमारा पिछला वीडियो है आईसीआईसीआई बैंक पे, उसके पहले शायद एक वीक पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वो था कोटक महिंद्रा बैंक पे, मतलब उसके पहले एक कोटक महिंद्रा बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक। आज का जो वीडियो है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, मतलब ये भी बैंक है, और इसके बाद मतलब शायद परसों एक और वीडियो आने वाला है, वो वीडियो शायद होने वाला है आईडीबीआई बैंक पे, शायद नहीं, वो आईडीबीआई बैंक पे ही होने वाला है, तो वो भी एक बैंक है। अब गाइस चार बैंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, जिसमें से तीन बैंक्स में लगातार मैंने डिस्कस किया है, तो आखिर तीन बैंक्स या फिर मतलब बैंकिंग स्टॉक्स इतना डिस्कस करने का क्या रीजन है। एक्चुअली गाइज मैंने ये जो पहला वीडियो है कोटक महिंद्रा बैंक वाला वीडियो, इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में 2023 के सेकेंड हाफ में काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, इसी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक्स ग्रो करने वाले हैं मतलब बैंकिंग स्टॉक्स ही ग्रो करेंगे, या फिर ये 100% है कि बैंकिंग स्टॉक्स ही ग्रो करने वाले हैं तो सारे पैसे उठा करके बैंकिंग स्टॉक्स में लगा देना है। आपको वेल डाइवर्सिफाइड होना है, बट मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं उस तरफ। और अभी जब कुछ बैंक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था आईसीआईसीआई बैंक वाले केस में कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा था, तो इसीलिए एक काफी अच्छा पोजीशन बनाने का मौका भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, अगर आपको सही लगे तो इन्वेस्ट करना, किसी के टिप या कॉल पे इन्वेस्ट मत करना। सो इसीलिए यही रीजन है कि मैं लगातार थोड़े बैंकिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब छोटा बैंक लग रहा होगा, बट यहाँ पे मार्केट कैप देखो 42,700 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी अच्छा मार्केट कैप है और काफी बड़ा मार्केट कैप है। स्टॉक पी 31 है, इंडस्ट्री पी से काफी ऊपर है, बट स्टॉक पी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार आपको पी का चार्ट दिखा देता हूँ। सो ये है स्टॉक पी का चार्ट और ये एवरेज जो मीडियन पी है, इस लाइन को अगर आप देख सकते हो, इसके नीचे है, मतलब स्टॉक पी उतना भी ओवरवैल्यूड नहीं है या फिर स्टॉक पी उतना हाई नहीं है अभी, और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में अभी ये नीचे आता है, बट धीरे धीरे ये ऊपर आ जाएगा जैसे जैसे ग्रो करेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स आप देखो 2118 ऑल टाइम हाई। आगे अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये है 228 ऑल टाइम हाई पे है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 393 है, ऑल टाइम हाई पे है, इसके पहले था 343 के आसपास, 343, तो ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, ये बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक्स में ज्यादा यूज होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब जस्ट सपोज किसी ने लोन लिया है और उसके बाद उसका रिपेमेंट उसने नहीं किया, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका रिपेमेंट नहीं हुआ, या फिर जो इंटरेस्ट है उसका रिपेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट का, तो इस केस में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। अब ये चीज जितना कम होता है किसी बैंक के पास वो उतना अच्छा बात है। तो यहां पे आप देखो ये डिक्रीज होते होते 0.51 पे आ चुका है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए 1.81 पे आ चुका है, तो ये दोनों घट रहा है और काफी घट चुका है। आप देखो यहां पे 0.50 था, बीच में ये बढ़ गया था 5.657 तक, उसके बाद ये फिर से घट करके 5.1 पे आ चुका है, मतलब अभी ये फिर से स्टेबल हो रहा है और नीचे आ रहा है। सो ये था इस दिसंबर क्वार्टर का ओवरव्यू। अब गाइज इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं, मतलब दिसंबर क्वार्टर को इसके पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना है, मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ आया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो ग्रोथ तो आया ही है, तो कितना ग्रोथ आया है इस पे भी हमें देखना है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की, तो यहाँ पे आप देखो 2118 और दिसंबर 2021 में है 1496, मतलब कि 1500 के आसपास। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आता है वो आता है 41%, मतलब 41% का ग्रोथ हमें एक साल में देखने मिला है। अगर हम बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट 127 था, जो बढ़ करके 228 हो चुका है, मतलब 101 करोड़ का जो है वो बढ़ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 302 है दिसंबर 2021 में, जो बढ़ करके 393 हो चुका है। और अगर इसके परसेंटेज चेंज की बात करें तो यह 30%, मतलब एक साल में जो नेट प्रॉफिट है वो 30% ग्रो किया है। अगर हम नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए आप यहां पे देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन नेट एनपीए 2.60 था, जो कि अब घट करके 1.81 हो चुका है, काफी अच्छा है, 0.79% ये घट चुका है, जो कि अच्छी बात है। नेट एनपीए की अगर हम बात करें, तो यहां पे भी आप देखो नेट एनपीए इस लाइन में आप देखो 1.29 था, जो कि घट करके अब 0.51 हो चुका है, और ये भी 0.79% के आसपास, 7.79% के आसपास नीचे आया है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए एक ही जैसा नीचे आया है, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, सो ये था हमारा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। अब करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन, मतलब यहां पे दिसंबर 2022 को कंपेयर करेंगे सितंबर 2022 से। तो यहां पे अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की, तो 2118 और सितंबर 2022 में है 1992। और अगर इसके परसेंटेज चेंज की बात करें, तो ये है 6.31%। अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखोगे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 208 से 228 हो गया है, तो यहां पे भी 20 करोड़ का जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हम परसेंटेज पर बात करेंगे, 343 से 393 हो चुका है, और यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 14.66%, जो कि एक काफी अच्छी बात है। मतलब आप समझो, 3 महीने का ड्यूरेशन में कोई अगर प्रॉफिट को 14% से इंक्रीज कर रहा है, तो वो कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है। आप समझो, 3 महीने का अगर बिजनेस होता है, एक नॉर्मल बिजनेस है, बहुत सालों से चल रहा है, 3 महीने में वो कितना ग्रोथ कर पाता होगा? 3 महीने में उसका ग्रोथ या तो ना के बराबर होगा, या तो थोड़ा नीचे भी जा सकता है, या फिर हो सकता है बहुत छोटा सा ग्रोथ हमें देखने मिले। लेकिन यहाँ पे जो है 14.66% का ग्रोथ देखने मिला है, जो कि एक काफी अच्छी बात है एक क्वार्टर में। मतलब एक क्वार्टर का जो डिफरेंस है, उसमें 14.66% का ग्रोथ एक काफी अच्छा ग्रोथ होता है। इसके बाद नेट एनपीए की बात करते हैं, जो यहां पे है 0.56 से 0.51 आ चुका है। तो हम सबको पता है, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा, 0.05% का जो है वो डाउनफॉल है, मतलब नीचे आया है, जो कि एक अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीए 1.90 से 1.81 हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा 9% का जो है वो डिफरेंस है, 9% नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, बल्कि यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी नीचे आया है। तो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन भी हो चुका है, और हमारा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी हो चुका है। हर चीज में हमें ग्रोथ देखने मिली है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे इसने लॉस किया हो। लॉस इन द सेंस, परसेंटेज में जो है वो नीचे वाला डिफरेंस आ गया हो, डाउन हो गया हो, परसेंटेज माइनस में गया हो। अब गाइज, ये माइनस में जाना अच्छी बात है, तो इसको माइनस कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव साइन है अगर ये नीचे जाता है। तो ओवरऑल हर एक चीज पॉजिटिव में है, हर एक चीज का ग्रोथ हुआ है, हर एक चीज अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल ये क्वार्टर काफी हेल्दी रहा और काफी अच्छा भी रहा। और अगर हम आगे चले इन्वेस्टर्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हो। FIIs के पास थोड़ा ज्यादा है, DIIs के पास और प्रोमोटर्स के पास एक बराबर जैसा है, पब्लिक के पास थोड़ा कम है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे, और बात कर रहे हैं टेक्निकल्स में कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, या फिर इसमें क्या आपको दिख रहा है टेक्निकल्स में। सो टेक्निकल्स में सबसे पहले आप ये चीज देखो, यहाँ पे आपको एक लो मिलेगा, ये लो के बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये फिर नीचे आया, एक और लो बनाया, जो कि यहाँ पे एक और लो बना, उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक और लो बनाया, जो कि यहां पे बना है, उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक और लो बनाया, जो कि यहां पे बना हुआ है, उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक और लो बन चुका है, जो यहां पे है। और अगर आप देखोगे, तो इस जगह पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं, यहां पे जो है ग्रीन कैंडल है, और काफी अच्छा बुलिश साइन है, आज 4% के आसपास, आई थिंक 4.1% या जो भी है, 4% के आसपास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अप रहा था, और इसी का ग्रीन कैंडल आप यहां पे देख सकते हो। सो वापस आते हैं और चार्ट को थोड़ा फिर से सेट कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे, हर एक लो जो बन रहा है, उसके बाद जो अगला लो बन रहा है, उसमें ये जो पहला लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। इस लो को इस लो ने ब्रेक नहीं किया, इसके बाद जो अगला लो बना वो भी इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया,
इसके बाद जो ये लो बना इसने भी इसके पहले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। इसके बाद जो ये लो बना इसने भी इसके पहले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो रहा है, स्टॉक नीचे तो आ रहा है बट इसका स्ट्रेंथ बरकरार है, इसलिए इसने लो को ब्रेक नहीं किया है। और ये एक काफी बुलिश साइन होता है। जब भी आपको कभी ऐसा स्टॉक में दिखे कि हायर लोज बन रहे हैं, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार जो है लोज हायर बन रहे हैं, उसके बाद एक काफी अच्छा मोमेंटम कह लो या फिर काफी अच्छा ग्रोथ कह लो वो आने वाला है, इसीलिए ऐसा सिनेरियो बनता है। और यहाँ पे आपने देखा कि फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, तो उस केस में भी इसको ये सपोर्ट करता है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको एक कप दिखेगा, इस तरह से एक और हैंडल दिखेगा, इस तरह से एक और हैंडल दिखेगा जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक करेगा, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। अब गाइस यहां से ऐसा होता है बेसिकली, जब अच्छे स्टॉक्स इस तरह से बनाते हैं तो आप पहले ही यहां पे ही ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा और कप एंड हैंडल पैटर्न बना देगा। अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहते हो या फिर सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तब आप जाकर के इसमें इन्वेस्ट कर देना। एंड गाइस एक और चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तो दो हैंडल्स बने हुए हैं, तो जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न में दो हैंडल्स बनते हैं, मतलब ये पहला हैंडल, ये दूसरा हैंडल और ये कप, जब ऐसा बनता है पहला कप और दो हैंडल्स या फिर तीन हैंडल्स, तो फिर और ज्यादा चांस हो जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो सही तरह से काम करेगा, मतलब वो फेल नहीं होगा, इसका चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी ज्यादा एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे पहला आपको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा ये हायर लोज बना रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो ओवरऑल काफी अच्छा आपको पैकेज मिल रहा है यहाँ पे। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो, लॉन्ग टर्म बनाना अगर आप चाहो तो बना सकते हो और अगर आप नहीं चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो 600 रहेगा, अगर 600 के नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म वाले निकल जाना, लेकिन 600 के पहले तक बिल्कुल नहीं निकलना, इसका चांस 600 में आने का बहुत कम है, लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप निकल सकते हो। वैसे तो ये नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है, बट जैसे सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हमेशा ये चलता रहता है, तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, या फिर आप खुद से आप देख लेना, जो भी आपको सही लगे आप वही करना, किसी के कॉल पे या किसी के टिप पे अगर मैं कह रहा हूं इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसा नहीं करना, खुद से एनालाइज करना, खुद से ड्यू डिलीजेंस करके पता करना, चार्ट को देखना, लेवल्स देखना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, अगर आपको अच्छा लगे तभी इन्वेस्ट करना। और गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दो वीडियोस जैसे मैंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों बैंक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।